कितना अच्छा सीन है, शूटिंग के लिए बेस्ट प्लेस है ये अभी तो। ये देखो पुराने मकान देख रहे, देखो बाहर चप्पलें वगैरह खुल रही हैं। मैं भी जाके आती हूँ, देखती हूँ तो क्या। नमस्कार दगड़ियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस हम सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपको लेके आई हूँ, देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो पीछे पराली ही पराली, देखो पहाड़ जैसे बना रखे हैं पूरा पराली के। ये देखो एक पहाड़ के पीछे नीचे मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पे एक सूखा सा पेड़ है। कितना अच्छा सीन है, शूटिंग के लिए बेस्ट प्लेस है ये अभी तो फिलहाल, जैसे गाने वाने होते हैं ना वैसे। और यहाँ पे पूरा ढैया जैसे लगा रखी है, देख रहे हो ये देखो, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो पूरा गोलाई में है ये। और इधर की तरफ खेत हैं, ये इधर खेत में काम कर रही है आंटी लोग। और ये देखो सीढ़ियाँ भी लग रही हैं क्योंकि ये ऊपर ऊपर रखते जा रहे होंगे ना, ऐसे पहाड़ सा बना दिया पूरा ही देखो। और इधर आंटी लोग कर रहे हैं काम, क्या है ये, मूली की खेती, मूली पालक, पालक है, पालक है, देखो सब पालक ही पालक बो रखा है। वो देखो आंटी गड्डियाँ बना रही है वहाँ पे पालक की। सो गाइस काम वाम हो गया था, बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर मैं आ गई हूँ बाहर इनके साथ। और मौसम देखो कैसा हो रहा है, धूप अभी से गायब है ये। आज मैं आपको पराली दिखा रही हूँ सोनीपत में, पराली का पहाड़, ये है पराली का पहाड़। और इसमें जो सांप वाप भी होते हैं ये देखो, यहाँ से सीढ़ी लगा रखी है ये ऊपर जाने के लिए, ऊपर जा सकते हैं। और देखो अभी तक धान भी नहीं कटे हैं वहाँ पे, देख रहे हो धान ऐसे कैसे पड़े हैं। तो चलिए थोड़ा ऐसे घूमते घूमते चलते हैं। मेरे पैर में गोबर लग गया यार, यहाँ पे गोबर कहाँ से आ गया ये, शिट गोबर लग गया गोबर लग गया यार, गोबर लग गया यार पैर में। हाँ मेरे को वो मिल गया गिफ्ट। चलिए यहाँ पे गाय भी बंदी रहती है ना इधर, तो वो आती होंगी चरने के लिए। देखो यहाँ पे कर रखा है ये काम, धोना पड़ेगा अब घर पे जाके पाऊँ। चले ना, किसी ने इसको काट रखा है एक साइड इसके कान पे, इतना बड़ा होल हो रखा है और झटका रहा है बार बार सर को, लड़ाई हुई हुई होगी, काट वाट दिया होगा। पहले हम इसको बुलडोजर बोलते थे रोड रोलर को, पता नहीं था ना हमको। इधर आ गए, ओ तुम्हारा भले गड्ढे देख रहे हो, इतना बड़ा गड्ढा और कर रहे हो, मरम्मत हो रही है इसकी, ये बहुत बड़ा वो है मैरिज हॉल, कितना बड़ा वो लगा रखा है ब्रेकर। ये देख रहे हो कैसे जाएगी इसमें से गाड़ी, पे गई है चल रही है अकेले अकेले, जल है तो कल है। अरे इधर छठ पूजा होती है ना, इधर सारे वो लोग रहते हैं, एक बार आए थे हम लोग इधर, देखते हैं तो इधर बना रखा है उन्होंने छठ पूजा का। तो गाइस हम आ गए इधर से, अब देखते हैं। तो इधर पिछली बार छठ पूजा के लिए बनाया हुआ था, ये देखो इधर सब रहते हैं ना ये लोग, ये यहाँ घोड़े भी हैं बग्गी के, और यूपी साइड से रहते हैं ना ये, देखो झोपड़ियाँ जैसी बना रखी है ना सब छोटी छोटी। इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ से टर्न ले लेते हैं, ये कल लगे हुए हैं काटने पे पेड़, ये आंटी ने आग जला दी यहाँ पे। ये रही गाइस देखो, तीन बकरियाँ घास खा रही हैं बैठ के, इसी गाँव में से होते हुए निकल रहे हैं हम। देखो ये वार्ड नंबर 13 है, गांव का नाम पता नहीं, पुराने मकान है ना देखो नीचे आ गए पूरे, ये धस जैसे रहे, यहाँ मकान बन रहा है क्या? अच्छा इधर बन रहा है, ये देखो पुराने मकान देख रहे। हम लोग पता है कौन सी गली में आ गए, मिल्क पॉइंट वाली गली में आ गए, घूमते घूमते जहाँ पे सैनी साहब आने वाले थे, हाँ उधर वाली गली में आए थे, मतलब हमने तो देखे नहीं बट इधर आए थे वो। यहाँ पे ऐसे मूर्तियाँ बना देते हैं अपने मतलब बुजुर्गों की। ये क्रेन जैसी कहाँ जा रही है, ये ड्रिल मशीन। चलो इधर है छठ पूजा का आयोजन, इधर आए हुए हैं क्या, देखूं, देखो बाहर चप्पलें वगैरह खुल रही हैं, मैं भी जाके आती हूँ देखती हूँ तो कैसा है। ये देखो अच्छा यहाँ पे कुंड बना रखा है, देखो ये हो गया होगा क्या,
पूछती हूँ तो इन बच्चों से। ये देखो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और अरे ठंड नहीं लग रही है? ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं, मैंने क्या ऐसी वीडियो बना रही थी। अच्छा, ये हो गई छठ पूजा पूरी खत्म? अच्छा ठीक। यहाँ पे देखो बच्चे लगे हुए हैं अपने मस्ती करने पे। छठ पूजा समाप्त हो गई है, अब ये सब बच्चों के हवाले कर दिया। यहाँ पे पॉन्ड जैसा बना रखा है, स्विमिंग पूल जैसा बना रखा है। ओहो, यस, इसके बाद जरूर आना। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या है? वीर। चल आजा, कूद रहे तू? ये बच्चे तो लग रहे। आ जाओ, अरे हट जा भाई, हट जा, तू हट जा जल्दी। आ जा। और ये कूद गया। नाम बता जल्दी। मानव खेल। चल भाई, मानव कर रहा। आ जा। ये भाई बच्चों की तो फुल मस्ती चल रही है यहाँ पे। ओह भाई साहब, ये बच्चों ने धूम मचा दी। चलो गाइस, मैं जा रही हूँ। देखो यहाँ पे छठ पूजा का पूजा करी थी ना, समाप्त हो गई है, तो यहाँ पे पूरा आयोजन किया हुआ है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये देखो पार्क में, और वहाँ पे बहुत अच्छा कुंड बना रखा है, जहाँ पे मतलब महिलाएं ना नहा सके। सुबह 4:30 बजे आ जाती हैं वो। और अब तो समाप्त हो गया वैसे तो, चलिए अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। गाइस यहाँ पे पूर्व कल्याण छठ घाट कबीरपुर, हम कबीरपुर से होते हुए निकल रहे हैं। ये देखिए बैनर भी लगा हुआ है। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं। ये आंटी आ रही है कुछ सामान लेके। ये रुके हुए हैं, थोड़ा सामान ले रहे हैं। आपको एक चीज दिखाऊं, कितनी अच्छी मटकी है, छोटी छोटी ना, सुंदर सी। ये देखो ये वाली सुंदर सुंदर सी मटकी। हम यहाँ पे थोड़ा सामान लेने के लिए आए हुए हैं घर पे। और मैं धोती हूँ पाँव, मैं खुटपन लागू मोक अंदर ही जा। A few minutes later. Guys, ये तो गए, लेकिन देख रहे हो, ये देखो मेरा दिमाग, देख रहे हो, चाबी मैंने यहीं पर छोड़ दी है। मेरे को भूलने की बहुत गंदी आदत पड़ रही है, धीरे धीरे बहुत दिमाग से बातें निकल रही हैं। सटिया तो नहीं रही मैं? शक्ल से तो लग रहा। भाई अब तो बनाएंगे खाना पीना। अरे यार वहाँ पे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, देखा ना आपने, कितने उछल रहे थे पानी में, कूद रहे थे, उनको ठंड भी नहीं लग रही थी यार। मैंने उस बच्चे को ऐसे किया ना, पकड़ा ना, वो उसको बोलो नहीं, इतना ठंडा हो रहा था, वो पानी में कूद कूद गया। बट उनको अब बच्चे ही हैं, है ना, तो जोश आ रहा था। बहुत मस्ती कर रहे थे बच्चे, अच्छा लग रहा था। बचपन ऐसे ही होता है, मतलब कोई टेंशन नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं होती, मस्त रहो, बेस्ट है बचपन। आज कान्हा आ गया, खुशी में आई रे। खुशी नहीं आई अभी तक। क्यों नहीं आई होगी वो? कुछ बोल रही थी लेट वेट आने का। हाँ, आज लेट कैसे हो गया इतना? बीच में छोले कुलचे खाने रुक गए थे। हैं? बीच में छोले कुलचे खाने रुक गए थे? कौन? अरे मेरे दोस्त अपने भाई के साथ जाती है, पर आज उसका भाई की
फिर छोले कुलचे की पार्टी पार्टी भी। हाँ। तो मतलब पेट भर के आई है इतना भी जरूर खाना देख ले जरा इसके लक्षण। क्या तुझे कैंटीन में तेरे दोस्त खिलाते मैं कुछ कहती हूँ? कैंटीन तो स्कूल की अलग बात है। बता छोले कुलचे पचका के आ गई।